रॉक भैया से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब लक ने फेवर किया कि सोदा तो मतलब भेट एकदम खुशी लगा, आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी लगा। नेपाली बोलो ना, धेरै नै खुसी लाग्यो होइन, एकदम भेट्ने धेरै रहर थियो। र जयगाउँ रोड कन्डिसन्स वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इट्स टीवी के ब्लॉग आफ्टर लॉन्ग डेज। कैमरा थोड़ा मेला दिख रहा है आफ्टर लॉन्ग डेज, ठीक है। सो मैं अभी लिफ्ट में था, तो लिफ्ट मतलब छुट्टी पे हूँ, ठीक है, मैं बाहर पे हूँ अभी, हूँ मैं वेस्ट बंगाल पे। तो जैसे कि मैं इंस्टा पे अपडेट दे रहा हूँ कि मैं आई एम इन ट्रैवल बोल के, तो ट्रैवल ब्लॉग डालूंगा पूरी छोटे, लेकिन इधर इतना बारिश दे रहा है कसम से मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ। अभी सोचा हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ बोल के, हालांकि अभी मैं जा रहा हूँ NGP इधर, अपने है ना फैमिली वगैरह उन लोग से भी मिलने का ट्राई करूँगा, अगर मिलता है तो मैं कल उधर विजिट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सोचा कि आज करने वाला था, लेकिन आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और अभी जाते जाते लेट भी हो जाएगा, रात को नहीं जाते, सोचा कि कल मिल लेते बोल के, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ये ब्लॉग बना रहा हूँ मतलब बहुत दिन हो गए, इसलिए शॉर्ट वगैरह तो आ रहा होगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा तो, और बहुत सारे प्यार देने के लिए शुक्रिया शॉर्ट पे, इतने ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए, ऐसे ही प्यार करते रहना, ठीक है। बहुत ही खुशी लग रहा है मेरे को, बहुत ही खुश लग रहा हूँ मैं, मतलब वो खुश हो रहा हूँ मैं कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मेरे को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, और ब्लॉग में भी ऐसा ही प्यार दिखाते रहना, लॉन्ग वीडियो में भी, ठीक है। सो अभी ट्रेन में वेट कर रहे हैं, थोड़ा देर में ट्रेन है हम लोग का, तो कुछ ऐसा है सीन, मैं अभी थोड़ा ट्रैवल पे हूँ, उसके बाद अभी एक दो दिन के बाद तो फिर कंटिन्यू शॉर्ट वगैरह आएगा, हो सके तो मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाने का ट्राई करूँगा, और जितने जब भी मेरा छुट्टी होता है मैं ऑब्वियसली ट्राई करूँगा, ट्राई नहीं मैं जरूर डालूंगा लॉन्ग वीडियो भी, ठीक है। सो आप लोग के लिए ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, मतलब वो जो शॉर्ट में इतना ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आया, इतना प्यार आया ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, इंस्टाग्राम पे भी अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है, तो थैंक यू एवरीवन। जो वो रैंडमली जो वीडियो बनाया था वो सब ही है, ऐसे होता है एक्चुअली लाइफ, ठीक है, किचन पे लाइफ कुछ ऐसे होता है इनसाइड किचन, तो मैं आप लोग को वही रैंडमली वही रियल दिखाना चाहता था, तो आप लोग को वही पसंद आया, थैंक यू एवरीवन, ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। इधर देखो बारिश, उधर शायद बारिश हो रहा होगा ना, इसलिए पूरा काला पड़ा हुआ है, बारिश तो हो ही रहा है, भयंकर बारिश हो रहा है इधर, ठीक है, वेस्ट बंगाल पे एकदम ही बारिश हो रहा है, और जितने सुनने में आ रहा है आसाम में भी हो रहा है बारिश, तो ये देखो व्यू बहुत नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो भी बोलो पहले ही बारिश दे रहा है उधर उस वाले साइड पे, भूटान है, ठीक है, वो जो दिख रहा है ना पहाड़ वगैरह वो सारे भूटान है, तो नज़ारा बहुत ही एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन जो भी बोलो जब भी हम लोग इधर अलीपुरद्वार से सिमारा से, ठीक है, NGP जाते हैं, जलपाईगुड़ी जंक्शन जाते हैं, तो पूरा फॉरेस्ट एरिया पड़ता है ना, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जंगल ही, तो अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं ज़्यादा क्लोजअप हो गया, तो ये देखो पूरा जंगल एरिया है, इतना नेचर, इतना इधर का मौसम ना, जंगल का अंदर का मौसम इतना शांत, इतना ठंडा है ना, वो प्योर फील होता है, पूरा प्योर नेचर फील होता है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जंगल पे, तो ऐसा ही लाइक बाहर ना शहर पे क्या होता है, पेड़ पौधे उतना नहीं होता, तो गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है ना आजकल के दिन पे, तो इसलिए सेव ट्री, ठीक है, प्लांट न्यू ट्री, अगर हम लोग को नए नए पेड़ पौधे लगाना है कि अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी सोचना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ठीक है। तो इधर देखो इतना ग्रीनी हो के रखा है, इतना ग्रीनी है और इतना पीस है ना इधर, तो ऐसा ही ठंडा पीस चाहते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी कभी ना हो, तो गर्मी ज़्यादा ना हो, तो इसलिए ना होने के लिए ये सब हम लोग को सोचना चाहिए कि अगले वाले आने वाले दिन पे आने वाले जनरेशन के लिए भी सोच के हम लोग को पेड़ वगैरह लगाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं उधर गांव जाता हूँ तो गांव में भी अभी सुना है कि बहुत ही गर्मी है, हालांकि मेरा घर एकदम ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ठीक पास में है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह है क्योंकि जंगल का भी बीच बीच में ना, देखो
कितना मजा ही मजा है ऐसे ऐसे लाइफ मेरे को बहुत पसंद है। ऐसे पहाड़ों पे रहना, ठीक है, जंगलों के पास रहना, नदी के पास रहना, ऐसे ऐसे लाइफ ना मेरे को बहुत ही पसंद है। ऐसे नेचर के साथ रहेंगे वो, क्योंकि हम बचपन से नेचर के साथ ही पले बड़े हैं ना। वो छोटे से जरिए गाँव पे, गाँव का भाई बाला के बहुत ही पीस लगता है। भले हम लोग शहर में कमाने के लिए जाए, लेकिन उधर पर मज़ा नहीं है जो मज़ा गाँव पे है ना। गाँव पे अलग ही सुकून है यार भाई। सर, अगर आप लोग को सच में ये बात पता करना है कि गांव में कितनी मजे होते, तो आप लोग उत्तराखंडी को पूछ लीजिए, जितने भी बंदे बंदिया आप लोग मिलते हैं ना उत्तराखंड से, उन लोग को पूछ लेना, ठीक है, कि आप लोग का पहाड़ों पे उधर गांव में कैसे मजे हैं। वो उन लोग वो बता पाएंगे मजे कैसे होते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। उधर के बंदे लोग, उधर के बंदे जो होते हैं ना, वो बोलते हैं यार बैंक के तरीके से बहुत सही बोलते हैं वो लोग, मतलब छू जाते हैं उन लोग का, बोलने का तरीका अलग ही होता है। देखो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, विलेज लाइफ गांव पे, छोटी मोटी घर वगैरह, जंगलों के पास, पानी इधर बह रहा है, ऐसा होता है एकदम नेचुरल, जो भी है नेचुरल इधर, ये होता है गांव पे लाइफ, ठीक है। ऐसे मैं ट्रैवल कर रहा था, देखा जो देखा वही बता रहा हूँ, जो फैक्ट्री वही बता रहा हूँ, ठीक है, वही दिखाता हूँ। मैं गाड़ी में कुछ बनाता नहीं ऐसा वैसा, इतना एडिट वगैरह भी मैं करता नहीं, उतना आता भी नहीं मेरे को, जो है मैं वही दिखाना चाहता हूँ और वही बताना भी चाहता हूँ आप लोग के, ताकि मेरे वीडियो से आप लोग के लिए कुछ एक मैसेज आए, कुछ अच्छा मैसेज आए, ठीक है। उधर नहा रहे, ठीक है, वो नहाना वो सब दिखाना नहीं चाहता, लेकिन देखो लाइफ इतना सिंपल और नेचुरल है ना, ये होता है लाइफ। इधर इस वाले साइड देखो, कैमरा क्वालिटी उतना हाई फाई है नहीं, मैं अभी तक एक आईफोन भी खरीद नहीं पाया हूँ, ठीक है, लेकिन सोच रहा हूँ आने वाले दिन पे, लेकिन फिर भी जो जितना दिखा पा रहा हूँ उतना देख लो, दैट्स इट। अच्छा अच्छा कॉन्टेंट ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए, कॉन्टेंट नहीं मैं जो भी है अच्छा बात ही बताने की कोशिश करूँगा, मेरे वीडियो के थ्रू से आप लोग को एक अच्छा मैसेज ही देने का ट्राई करूँगा, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। ये देखो हम लोग को प्रकृति ने कितना कुछ देके रखा है, कितना सुंदर सुंदर जगह देके रखा है, देखो इतना सुंदर व्यू, ठीक है। कैमरा क्वालिटी लो है तो इतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नेकेट आई से बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इधर से नदी बह रहा है, ठीक है, इधर इस वाले साइड से भी नदी बह रहा है, इस वाले साइड से भी नदी बह रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, लेकिन जो भी बोलो। ये देखो ये होता है नेचर, इतना प्यारा है ना। इतना जल्दी ऊपर टपकने का सोच लिया क्या, ये सुपरमैन सोच लिया आपने आपको, चले चले आप घुसिए ना, सुपरमैन उतर जाएगा। अरे भाई साहब, नहीं ठंडी हवा खाने के लिए इतना इधर लटके। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सिलगुड़ी जंक्शन, ठीक है, तो अभी थोड़ा इधर उधर काम है, तो वो काम वगैरह कर लेते हैं, फिर आज का दिन ऐसा ही कुछ रह गया, ठीक है। तो यार मैं सिलगुड़ी पहली बार आ रहा हूँ, ठीक है, सिलगुड़ी जंक्शन आया तो एनजीपी आया हूँ, उधर सिलगुड़ी दूसरी जगह गया हूँ, लेकिन पहली बार इधर आ रहा हूँ जंक्शन पे, ठीक है, जैसे कि मैं आया था इधर सिलगुड़ी, ठीक है, सिलगुड़ी जंक्शन पे। तो आज बाय लक मैं रॉक भैया से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब लक ने फेवर किया कि उनसे आज मिलने का, मतलब मैं तो पहली बार जैसे मैं थोड़ा पकड़ा रहा हूँ, ठीक है, रहा हूँ पहली बार जब जयगांव आया था तभी मिलने का बहुत कोशिश किया उस टाइम भैया बीजी थे, तो अभी जाके फाइनली उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, तो एक दो फोटो क्लिक करेंगे, ठीक है, देखते उनसे इतना लंबा बातचीत तो हो ही नहीं पाएगा, पता है मेरे भी, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत बिजी होंगे शायद, तो अभी थोड़ा बहुत बस छोटा मोटा जितना हो पाएगा मैं उतना वीडियो बनाऊंगा, धक कर रहा है मेरा। सो दा तो मतलब भेड़ रहा, एकदम खुशी लगा आपसे मिलकर, बहुत ही ज्यादा खुशी लगा, नेपाली बोलो ना, धेरै नै खुसी लाग्यो होइन, एकदम भेट्ने धेरै रहर थियो, र मेरो फ्यानहरूको पनि मेरो साथीहरूको पनि एकदमै धेरै रहर थियो होइन, उनीहरूको लागि भेट्ने तपाईँलाई थाहा छ भनेर केदारनाथ मैले जाँदाखेरि भेट्छु, त्यस कारण तपाईँले केदारनाथ थियो, म नेपाली अनि म यस्तो तल आउँदैथेँ, त्यस कारण मैले देश गाउने आउँदाखेरि त्यति म्यासेज गरेको, अब तपाईँहरूले होइन मेसेज गरेर के आउँछ हाम्रो धेरै हल्छ, त्यही सबैले अब कसले बुझ्दैन, अनि त्यहाँ तपाईँहरू त जाने रस आउँदो भुटान बाय। स्काई।
मेरो लुगा फोहोर हो नि त, मेरो लुगा फोहोर हुन्छ क्या, मेरो लुगा फोहोर हुन्छ नि त। यता हेर न, यता हेर न, यता हेर न, यता हेर नि त, ल ल यत्तिकै झुनु फोर नि त अन्त होइन होइन, मेरो लुगा फोहोर हुन्छ नि त हौ, मेरो लुगा फोहोर हुन्छ नि त। एक साल बाद में मिल रहा हूँ इससे, स्काई से। हैंडशेक, लो आओ आओ आओ, हैंडशेक 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 दे ना, अंत छिटो ना, लो हम एक साल बाद में भेटे है ना, लो छिटो हैंडशेक दे ना, अंत छिटो ना, छिटो ना छिटो ना। किन रिसेको तिमी, किन रिसेको भन त, किन रिसेको, किन रिसेको खै, के भयो? सो फाइनली मैं इधर हूँ, ठीक है। तो स्काई से एक साल बाद मिल रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा एक साल बाद मिल रहा हूँ मैं स्काई से। नहीं नहीं, आओ 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 स्काई, आओ आओ आओ। कति माया लाग्दो भएको छैन मेरो स्काई, कति माया लाग्दो भएको छैन, एक्लै भएछ है बिचरा, नि स्काई नि एक्लै भएछ है। आओ बिचारा बाबु, ओके बस्दै गर न, ल ल बस्दै गर न, बस्दै गर न, लुगा फोर हुन्छौ।